हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप एंजल वन को अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमको क्यों लॉगिन करना चाहिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों, अब जब हम लैपटॉप और पीसी में उसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमको जो स्क्रीन साइज है वो काफ़ी बड़ी मिलती है। फ़ोन के मुकाबले 1-5-6 गुना बड़ी होती है। यहाँ पर आपको चार्ट देखने को, जो भी चीज़ें करने हैं वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। मतलब बहुत ही आपको अच्छे व्यू दिखने को मिलते हैं। इस वजह से आपको इसमें लॉगिन कर लेना चाहिए मेरे मुताबिक, जैसे मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि आपको अपना क्रोम ब्राउजर में एंजल वन सर्च करेंगे, तो आपको पहला जो लिंक आएगा उसी पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे, या फिर हम आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, या आप वहां से डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लॉगिन पर दिख रहा होगा लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके सामने दो ऑप्शन देखने को मिलता है, लॉगिन रजिस्टर विद फोन नंबर, लॉगिन विद क्लाइंट आईडी। तो दोस्तों, ये जो होता है ये मोबाइल नंबर से होगा, और क्लाइंट आईडी आपको अपने एंजल वन के ऐप में मिलेगा। तो हम पहले आपको लॉगिन विद रजिस्टर फोन नंबर से करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हमको डालना है अपना फोन नंबर, फिर यहाँ से कर देना है प्रोसीड पर क्लिक। तो हमारे फोन नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो हम डाल देते हैं फटाफट, फिर यहाँ पर आपको टिक कर देना है और यहाँ से कर देना है प्रोसीड पर क्लिक। यहाँ पर पूछ रहा है एम पिन, जो कि आपको डालना ही होगा। एम पिन वो दोस्तों लगता ही है, तो हम डाल देते हैं। एम पिन डालने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, देख सकते हो। योर पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस, योर अकाउंट हैज बीन मार्क डोमिनेट ड्यू टू नो ट्रेडिंग एक्टिविटी फॉर 1 ईयर, कंप्लीट रिकेवाईसी प्रोसेस टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो हमने पहले से ही जो हमारा इसको केवाईसी करना है, रिएक्टिवेट करना है, उसके लिए हमने अप्लाई कर दिया है पहले ही, तो वो 2 दिन के अंदर हो जाएगा। तो ये वॉलेट टू डू टू कलेक्ट हुई नॉट नाउ। और ये देख सकते हो, जो हमारे अकाउंट, यहाँ से पहली बार हमने इसमें किया है, इसलिए ये सब हमको बता रहा है। तो ये आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके भी कर सकते हैं, या फिर नीचे स्किप के ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको करते थे फिनिश। देख सकते हो इसमें जो भी दिख रहा है आपको, काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। ये देख सकते हो चार्ट और सब ये, और यहाँ से क्लिक करेंगे आप देख सकते हो, ये है यहाँ से एडिट फंड, यहाँ से आप फंड ऐड कर सकते हैं, यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, जो कि अभी रिएक्टिवेट करेंगे तभी होगा ये सब। दोस्तों, पहला तरीका ये था, अब हम आपको दूसरा तरीका दिखाते हैं क्लाइंट आईडी से कैसे लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आपको इसको लॉग आउट करना होगा, तो यहाँ से लॉग आउट करते हैं। फिर यहाँ पर हम लॉग इन विद क्लाइंट आईडी, इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे अपना क्लाइंट आईडी। तो क्लाइंट आईडी ये है हमारा, आपको इमेज में दिख रहा होगा सामने। अब यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पर आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना होगा, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ पर लेवर सेव, फिर यहाँ पर पिन डालना है आपको, फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये देख सकते हो, ये था दूसरा तरीका, हमने आपको पहले बताया उसमें मोबाइल नंबर के थ्रू, और ये है क्लाइंट आईडी के थ्रू। तो ऐसे ही दोस्तों, आप भी लॉगिन कर सकते हैं अपने एंजल वन को अपने लैपटॉप या पीसी में, जैसा हम यहाँ पर हमने आपको करके दिखाया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और आपके मन में जो भी सवाल आ रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।